हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कार एंड ट्रैवल गुरु। देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कार एंड ट्रैवल गुरु। आज देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का सफ़र है हमारा नागपुर से चिखलदरा। निकलना था सुबह ही बहुत जल्दी, पर लगभग 10 बज चुके हैं। चलते हैं फिर सफ़र पे। चलो आज के सफ़र के लिए पहले करते हैं टैंक फुल। आज का नागपुर का डीजल का रेट है 102.64। कब 102 पहुंच गया भगवान जाने। देखिए टैंक फुल करते हैं पहले, कितना डीजल आता है देखते हैं। लो टैंक हो गया फुल। टोटल 3735 रुपये का तेल आया और डीजल आया है 36.39 लीटर। देखते हैं इस बार कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इतने तेल में कार। से निकलने के बाद इस नेशनल हाईवे पे हमें अराउंड 100 किलोमीटर चलना है, उसके बाद चिखलदरा के लिए ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा हमें। तब तक आप एंजॉय कीजिए इस रास्ते की खूबसूरती। चाय पानी का ब्रेक हो गया। कबीर को सबसे ज़्यादा भूख लगी थी, काजू 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 कर रहा था। चाय पानी पी लिया, लगभग 100 किलोमीटर कवर कर लिया है, बाकी 115 किलोमीटर बचा होगा। विद इन 2 आवर्स वी विल बी इन चिखलदरा। चलते हैं फिर आगे वाले सफर पर। बाय बाय। ये अमरावती नेशनल हाईवे हम यहाँ से छोड़ेंगे, ये मोजरी में पड़ता है ये पॉइंट। यहाँ से आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा चिखलदरा के लिए। यहाँ पे बोर्ड में दिखा है या ओनली 17 किलोमीटर, इस तरफ आपको जाना पड़ेगा। ये हम लोग नेशनल हाईवे छोड़ के स्टेट हाईवे 17, महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 17 पे आए। छोटा रोड है पर रोड अच्छा है, तो कुछ देर स्टेट हाईवे को एंजॉय करते हुए निकलेंगे आगे। रोड बहुत ही प्यारा लग रहा है।
चांदूर बाजार को एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये रेलवे का ब्रिज था, रेलवे क्रॉसिंग। इस हाईवे पे हम लोग अचलपुर तक 20 किलोमीटर अभी और इस हाईवे पे चलेंगे, उसके बाद और एक मोड़ आएगा। अब भूख लगने लगी है तो सोच रहे कि विदर्भ का कोई फेमस और अच्छा सा ढाबा मिल जाए जहाँ पे बढ़िया का खाना मिल जाए। चाहते समय रास्ते में ये मौसम्बी की बहुत सारे पेड़ दिख गए, कितना खूबसूरत और कितना मस्त लग रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। और इतने मीठे हैं कि बस देखिए, ऊपर देखिए पूरा बाग है ये, पूरा इस तरफ। पर इस तरफ कॉटन की खेती है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कबीर यहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, आप देख ही सकते हैं उसका एंजॉयमेंट। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कार एंड ट्रैवल गुरु। देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे आज। वाओ, व्हाट अ नज़ारा, खूबसूरत, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ ये सफ़र, इसी तरह से नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कार एंड ट्रैवल गुरु। आज देखिए आप कहाँ पहुँचे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। चलिए मैं दिखाता हूँ बागान मौसम्बी की, बगल में कॉटन की खेती भी है, बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है। देखिए कितने मौसम्बी लगी है, जैसे लग रहा है बस एक ही दिन में सारे खा गए। आप भी कभी चिकलदारा की तरफ आओगे तो ऐसे बहुत सारे खेत मिलेंगे आपको। आइए, रुकिए और एंजॉय कीजिए। चलो चलते हैं सफर पर। वाड़ा की तरफ जाना है, परतवाड़ा की तरफ। और फाइनली खाने का इंतज़ार हो गया ख़त्म, और ये मिल गया सबसे खूबसूरत और मस्त योगी राजवाड़ा। खाना आ गया है, बाजरे की भाकरी, बैंगन का भरता, ज्वार की भाकरी, बैंगन का भरता, बहुत मस्त। अभी छाछ भी आ रहा है, खाना खाएंगे अच्छे से। नाउ वी आर एंटरिंग इन मेघाट फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। And this is entry gate for Meghat Reserve Area. यहाँ पे आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है, उसके बाद आप आगे निकल पड़ोगे।
और फाइनली अराउंड 6:30 हम लोग चिकलदरा में पहुंच गए। और ये था उस दिन का हमारा स्टे, बहुत ही खूबसूरत शानदार। और स्टे के बारे में, रूम के बारे में, स्वीट के बारे में क्या बोलूँ मैं, आप देख ही सकते हो। और जैसा लगे आपको मुझे कमेंट में लिख के बताइए कैसा लग रहा है आपको स्वीट। ये स्वीट का डाइनिंग एरिया है, क्या बोलूँ इसके बारे में मैं। और ये रहा इस स्वीट का बैकयार्ड एरिया, कितना खूबसूरत है देखिए आप। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय, एंजॉय द लाइफ।